से? हाँ जी। क्या बात हुई? जो तू है ना उसकी जमीन पे कब्जा कर रहा है यार, नाम और ढाका। राका और ढाका। हाँ जी। हाँ जी। नाम तो कुछ सुना सुनाया था क्या? ये कुख्यात बदमाश है जी। अच्छा बदमाश। एक लाख का इनाम किया है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर हमारा कानून ऐसे चुप क्यों बैठा था भाई? इससे पहले जो अफसर थे वो कार्रवाई नहीं करते थे। अच्छा तो ऐसा करो हवलदार सुनने को बुलाओ। ठीक है जनाब जी। नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार जी। हवलदार जी। हवलदार सुंदरलाल के साथ आइए। ठीक है। और दौलतपुर गांव में राका और ढाका नाम के दो कुख्यात हैं जी, उन्हें पकड़ कर लेके आओ। ठीक है सर। अगर वो कोई जबरदस्ती करे तुम्हारे साथ आना कहीं करे आने जाने में तो तुम्हें फुल परमिशन है, तुम लठ मारो कुछ भी करो लेकिन उनको गिरफ्तार करके लेके आओ। ठीक है सर। ओके ओके। क्या बात थी? अरे जमीन का कब्जा करना है। वो जमीन का तो कब्जा ले जाइए ना। कब्जा कर कर आएंगे। कभी लेकर आएंगे। राका और डाका हंसने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। राका किसकी मत हो गई जिसकी मत हो सका है। चलो
साहब, थानेदार साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। अरे ये धूप सिंह कौन सा है भाई? धूप सिंह भाई हूं जी। अच्छा, तेरा नाम है धूप सिंह? हाँ जी। ठीक, यह जमीन है तेरी? हाँ जी, यह जमीन है मेरी, इस पे रोला हो रहा जी। अच्छा अच्छा, इस जमीन का रोला था वो? जी। राका और ढाका के साथ? हाँ जी। तो ठीक, वैसे तेरा रोला सुलट गया है भाई? हाँ जी। अब हमने उस राका और ढाका को जेल के अंदर डाल दिया है। हाँ जी। वो अब कोई बदमाशी नहीं कर सकते, आपके जमीन के कागज आपके को सौंप दिए गए हैं और आप अपना आराम से अपनी खेती को कर सकते हो। कोई खतरा नहीं भाई? कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो जमीन तो दिखाओ मेरे को जिस पर आपका। या जमीन आगे जिस पर राका और डाका कब्जा कर रहे थे? यार ये अपनी जमीन है। अच्छा चलो दिखाओ मेरे को एक बार। आज दिखाता हूँ आपको अपना। यो ये अपना टेबल था। अच्छा ये टेबल था आपका? ये टेबल था जी, ये अपने 3 किले। अच्छा ये 3 किले हैं? हाँ जी। कब्जा कौन शिफ्ट कर रहा था? वो कब्जा अपनी 3 किले पे कर रहा था। अच्छा इन 3 किले पर कब्जा था? हाँ जी। और ये टेबल अपना आया है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुख्यात बदमाश हो रहा था वो? हाँ। है? हाँ। तुमने ये बहुत अच्छा किया जो कानून की मदद ली, और अगर कानून की मदद नहीं लेते तो भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी कोई शरारती तत्व आप लोगों को परेशान करे तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। ठीक है सर। पुलिस आपके लिए है, हर वक्त हर समय आपके लिए पुलिस तैनात रहती है। पुलिस सुरक्षा बल बनाया इसलिए गया है ताकि हम आम जनता की सेवा कर सकें। हम आपके सेवक हैं, आप जनता हो, हम आपके सेवक हैं। पुलिस से घबराने की ज़रूरत नहीं, सच्चाई के लिए आप कभी भी मेरे दर पर मेरे थाने में आ सकते हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और ऐसे शरारती तत्वों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है धूप सिंह जी, आप अपना खेती करो। ठीक है जनाब। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं इसीलिए आया था कि भाई आपकी ज़मीन आपको मिल चुकी है, अब आप इसके मालिक को अपना काम अच्छी तरह करो। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके।